हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो कितने लोग ऐसे हैं जो लोग इस पर्टिकुलर मूवी को सिर्फ और सिर्फ मनोज वाजपेयी सर के वजह से ही देखना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। खैर, अब हम लोग बात करेंगे साइलेंस कैन यू हियर इट, जो कि Zee5 पर रिलीज हुई है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। कहानी शुरू होती है कुछ टीनेजर से, जिनको एक ट्रैकिंग साइट पर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जो कि होती है एक रिटायर्ड जज की बेटी जिसका नाम है पूजा। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं ACP अविनाश वर्मा, यानी कि मनोज वाजपेयी। तो उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो यार ये हू डन इट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इतनी बार हु डन इट के कॉन्सेप्ट पर मैंने मूवीज़ और सीरीज़ देखी, लेकिन फिर भी जब मैंने इस पर्टिकुलर मूवी को चेकआउट किया तो एक सेकंड के लिए भी मैं जगह से हिला नहीं। इतनी एंगेजिंग ये मूवी है। पहले तो मुझे लग रहा था कि यार ये OTT प्लेटफॉर्म में मनोज वाजपेयी एक ऐसे एक्टर है जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इनको बस इसी वजह से इस पर्टिकुलर मूवी में लिया गया, मूवी इतनी खास नहीं होगी, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन जितने भी उनको अच्छी तरह से लिखा गया। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, BGM भी एकदम परफेक्ट है, और डायलॉग्स की बात करूँ तो यार आप कुछ गाली सुनने को मिल जाती है, वो तो आपको पता है कि यार आजकल का ट्रेंड बन गया, तो इस पर्टिकुलर मूवी में सुनकर कुछ नयापन नहीं लगता है। लेकिन हाँ, फालतू के अननेसेसरी की भी गाली नहीं दी गई, ये मैं आपको बता दूँ। और ये मूवी को एकदम फास्ट पेस्ड रखा, यानी कि फालतू के सीन्स डाल के आपको बोर नहीं किया। स्टार्टिंग से टू दी पॉइंट ये मूवी शुरू होती है और टू दी पॉइंट ये मूवी ख़त्म होती है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यार मनोज वाजपेयी सर कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते, और बस वही एक है इस पूरी मूवी में जो आपको शाइन होते हुए नज़र आते हैं। बाकी के जितने भी एक्टर्स हैं सब लोगों ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया। वो जो 3 पुलिस ऑफिसर थे, यानी कि एक प्राची दिसाई और 2 और ऑफिसर थे, उनको देखकर कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लोग पुलिस वाले हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने रोल को अच्छी तरह से निभाया। मूवी की एडिटिंग ठीक ठाक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 2 घंटे की मूवी होती तो वो ज़्यादा अच्छा होता। मूवी का डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे ऐसी मूवी ही बनना चाहिए जहाँ पर जो ऑडियंस है वो गैस करती रहे कि भाई आखिर कल्प्रिट है कौन, और वो ऐसा नहीं कि भाई आधी मूवी में वो पहचान जाए कि भाई इसने किया, तो वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो जैसे कि मैंने कहा इसमें बैड वर्ड्स है, तो अगर आप लोग के घर में सारे एडल्ट्स हैं तो देखो, अगर बच्चे हैं तो थोड़ा अवॉइड करो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10। डेफिनेटली ये वॉचेबल मूवी है, आप लोग देख सकते हो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।